अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, माई सेल्फ सरमद रहमत पंजाब कॉलेज से। आज हम बात करते हैं जी रिलेशनशिप बिटवीन द करंट व्हेन दैट करंट पास थ्रू अ टंगस्टन फिलामेंट लैंप। आपने ये प्रैक्टिकल करने से पहले इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो हैं स्पेशली उन्हीं के लिए डिज़ाइन की गई है, इनके मतलब लाजमी पता होना चाहिए कि ओहमिक कौन सा है और नॉन ओहमिक कौन सा है। ओहमिक वो जो कि ओहम लॉ को बे करे और नॉन ओहमिक कंडक्टर वो जिनमें से ओहम लॉ जो कि ओहम लॉ को बे ना करे। ओहम लॉ को ओबे करने का मतलब ये है कि जिस वक्त वोल्टेज इंक्रीज हो रहा हो तो करंट की मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज़ कर रही हो, और नॉन ओहमिक का मतलब ये है कि वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट उसी एक्सटेंड के साथ इंक्रीज ना कर रहा हो। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि टंगस्टन फिलामेंट, आपको प्रैक्टिकल में ये भी पूछा जा सकता है टंगस्टन फिलामेंट क्या ओहमिक है और नॉन ओहमिक है। हमने बताना है नॉन ओहमिक है, क्या रीज़न है। आपने ये दोनों ग्राफ पढ़े होंगे, जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो करंट भी इंक्रीज हो जाता है, जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो करंट देखें अगर लास्ट में डोमिनेट कर गया इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये नॉन ओहमिक कंडक्टर है। हम बात करते हैं जी कि नॉन ओहमिक क्यों है। क्या रीज़न है कि यानी कि ये ओहम को वे क्यों नहीं करता। असल में ये है कि ये जो लोड हमने लगाया हुआ है यानी कि जिसको टंगस्टन फिलामेंट लैम्प भी बोलते हैं, वो करंट के इंक्रीज़ होने से ब्राइटनेस तो इंक्रीज़ करता है लेकिन उसकी में एक प्रॉपर्टी है, उसकी रेजिस्टेंस राइज कर जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किसी और सोर्स में लाइट एनर्जी में उसके बाद हीट एनर्जी में यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वोल्टेज उसी एक्सटेंड करंट उसी एक्सटेंड के साथ इंक्रीज़ नहीं हो पाता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो इनिशियली मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास रियो स्टेट है, रियो स्टेट की मदद से मैं क्या करता हूँ वोल्टेज इंक्रीज़ करता हूँ। आई विल बी रिकमेंड दैट वोल्टेज ऑन 0 to 3 volt। अगर आप 3 पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एम्पेयर मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड अलमोस्ट 0.87 एम्पेयर हो चुकी है। देन आप क्या करें, इसकी रेजिस्टेंस को और राइज करें, यहाँ पे आप राइज कर रहे हैं 6 हो चुकी है, इसकी वैल्यू एक्सीड होके 2 पे पहुँच चुकी है। अगर आप देखें पहले 0.87 को आप 1 भी कह सकते थे, पहले 3 वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो 1, देन अगर आप 6 पे देखते हैं तो 2, अगर आप यहाँ पे देखें तो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड मैं 9 करने जा रहा हूँ। अगर मैं वोल्टेज की मैग्नीट्यूड 9 वोल्ट कर दूँ तो मेरी वैल्यू 2.5 पे, इसको तो चाहिए था पहले 1 से, जिस एक्सटेंड से वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा था 3, 6, 9, 12, 15, इसको चाहिए था 1 अगर वोल्टेज करंट हुआ है नेक्स्ट कंडीशन में। इस टंगस्टन फिलामेंट में 2 गुजरा था, ठीक है जी, वहाँ पे ओहमिक ही था, लेकिन यहाँ पे 3 पे पहुँचना चाहिए था, लेकिन ये 2.5 पे फॉल कर गया। इसका मतलब है 0.5 वोल्टेज कहाँ पे जा रहे हैं, वही एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे लाइट एनर्जी के अंदर आप इसको मज़ीद एक्सीड करें, अब इसको चाहिए था 4 पे, इन्फिनिटी पे पहुँच जाता, लेकिन ये ग्राफ अगर जैसे और इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज़ होगी तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो 2.7 पे इंक्रीज़ हो चुकी है। आई मीन के 12 वोल्टेज पे जाके ये क्या हो गया, या 15 वोल्टेज 12 वोल्ट पे जाके इसकी वैल्यू जो है 2.5 उसी एक्सटेंड से के साथ इंक्रीज़ नहीं कर रही। सो इसका मतलब है जो ग्राफ हमने ये वाला स्टडी किया या ये किया, वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है, करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ जो है ग्राफ उसी एक्सटेंड से, इसको स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था लेकिन एक स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ। इसका मतलब ये साबित हो गया कि हमारे पास जैसे कि टंगस्टन फिलामेंट्स में से करंट पास कर रहा होता है तो वो एक नॉन ओहमिक बिहेवियर शो करता है। क्या रीज़न है, उसमें से लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसी और सोर्स शेप किसी और स्टेट के अंदर एनर्जी की किसी और कंडीशन में या किसी और कह सकते हैं किसी और शक्ल में, लेकिन यह है कि हमारे पास वो सेम एक्सटेंड के साथ इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। एनी प्रॉब्लम अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।